अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो और तालिबान रहनुमा मुला बरादर के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। कैदियों की रिहाई और अमन मुआहदे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तालिबान रहनुमा ने दीगर कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि माइक पोम्पियो ने तालिबान की मुजाकराती टीम के सरबरा मुला बरादर अखुंद से वीडियो मुलाकात की। तर्जुमान सोहेल शाहीन का कहना था कि अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट और तालिबान के दरमियान अफगान अमल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। उनका कहना था कि मुलाकात में अफगान अमल पर बातचीत की गई। ट्विटर पर अपने बयान में तालिबान तर्जुमान ने कहा कि पोम्पियो और मुला बरादर ने अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान की कैदियों की रिहाई पर भी बातचीत की, जो उनका मुतालबा है। इससे कबल अफगान तालिबान ने 29 जुलाई को ऐलान किया था कि ईद उल अज़हा के मौके पर 3 दिन के लिए जंग बंदी होगी, जिसके जवाब में अफगान हुकूमत ने भी जंग बंदी का ऐलान कर दिया था। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा था कि ईद उल अज़हा के मजहबी त्यौहार के मौके पर तालिबान की जानिब से कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी।